एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज है नेक्स्ट डे मॉर्निंग और कल मैंने ब्लॉग एंड कर दिया था जब हम होटल पहुंच चुके थे। उसके बाद तो नेक्स्ट डे वेकअप होने के बाद हम अभी आ रहे हैं ब्रेकफास्ट करने, और अभी ऑलमोस्ट 11:30 अराउंड हो रहा था और हम काफ़ी लेट हो गए थे उठने में। और बस यहाँ पे हम आ गए हैं डोसा कॉर्नर, और यहाँ पे ना बहुत अच्छे अच्छे डोसा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डोसास भी अवेलेबल थे, जिसका नाम मैंने शायद पहली बार सुना था। और यहाँ पे मुझे मिल गई मेरी मसाला टी। अभी हम आ गए हैं बोटिंग के लिए और यहाँ पे काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है, और आज तो वीकेंड है तो काफ़ी ज़्यादा क्राउड है। ऐसा लगता है कि आसपास के सारे लोग जो है नायग्रा फॉल ही आ गए हैं। और यहाँ पे मोस्टली वीकेंड में तो क्राउड होता ही है, बट वीकडेज जैसे कि कल तो हम फ्राइडे था, कल भी बहुत ही क्राउड था। और अभी हृदय और उसके फ्रेंड दोनों गए हैं टिकट ही लेने के लिए, तब तक मैं यहाँ पर वीडियोज़ बना रही थी। सो आफ्टर 30 मिनट्स हृदय आ गए हैं और अब हम चल रहे हैं नीचे की तरफ। और जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे ना, मैं आपको क्राउड दिखा रही हूँ, यहाँ पे तो आपको कुछ लोग दिख रहे होंगे। जैसे हम नीचे लिफ्ट से आते हैं ना, उसके बाद ये व्यू सबसे पहले दिखता है, और इतना शानदार, इतना तो मेरा फ़ोन ने भी अच्छे से कैप्चर नहीं किया है। सो ये जितनी भी भीड़ आपको दिख रही है, सब बोटिंग के लिए ही जा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा ही क्राउड हो जाता है। तो यहाँ अगर कनाडा साइड से आप नायग्रा फॉल जाते हो ना, तो आपको रेड कलर का ये रेनकोट दिया जाता है, और अगर आप यूएस की तरफ से जाते हो तो ब्लू कलर का होता है। तो ये एक डिफरेंस है, और जाते हम सेम ही हैं, बट बोट मैं आपको दिखाऊँगी, शायद मैंने कैप्चर किया हुआ है। इतने क्राउड में ना 80% देसी और 20% जो है अदर कंट्री के पीपल आपको दिखेंगे, जैसे कि कैनेडियन हो गए या फिर जो यहाँ पे घूमने आए हुए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो गाइस, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरे बाकी सारे वीडियोस भी कैप्चर करना। यहाँ पे मुझे नहीं लगा कि कोई इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत है, तो मैंने सोचा थोड़ा अपना ये यूट्यूब चैनल का प्रमोशन ही कर लेते हैं। और बस अब हम जा रहे हैं ऊपर, और इसके बाद हमारे साथ जो फ्रेंड्स हैं ये जिप लाइन के लिए जाएंगे, और मैं तो नहीं जाऊँगी, मुझे बहुत डर लगता है, इसीलिए मैं उसके बाद ज़्यादा कुछ कैप्चर नहीं की थी। फिर जिपलाइन इन लोगों ने किया, ऑलमोस्ट 2 आवर्स लग गए थे वहाँ पे, और इसके बाद हम निकल गए हैं जीटीए के लिए।
जीटीए पहुंचने के बाद हमें पता चला कि यहाँ पे मीटअप रखा हुआ है। एक हैदराबादी ब्लॉगर है ना अन्वेषणा, और काफ़ी पॉपुलर ब्लॉगर हैं ये, इनके 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, और ये काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में अब तक घूम घूम के ब्लॉगिंग करते हैं। तो यहाँ पे ना काफ़ी सारे ऐसे मेरे जैसे ब्लॉगर्स भी आए हुए थे, लाइफस्टाइल ब्लॉगर्स भी आए हुए थे, तो इनसे मिल के काफ़ी अच्छा लगा। तो ये इन्हों भी ब्लॉगिंग వీళ్ళు కూడా చేస్తారు బ్లాగింగ్ ఇక నేపాల్ నుంచి నేపాల్ నుంచి వచ్చారు మన భాష వీడియో చూస్తారట ఆ తెలుగు सो गाइज अभी जो आपने क्लिप देखी वो क्लिप जो है उन्होंने अपने वीडियो मीटअप वीडियो उन्होंने अपलोड किया था चैनल पे, उसमें भी हाईलाइट किया है। और मुझे ना पहले डर लग रहा था बात करने में, लग रहा था कि अरे हमारी लैंग्वेज सेम नहीं है फिर क्या मैं मिलूं, बट उनसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। और साइड में ना ये जो आप क्लिप देख रहे हो यहाँ पे कोरियन पीपल का ना एक म्यूजिकल कुछ बैंड था और बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे भी। तो ऐसे जीटीए में ना पार्क्स में डिफरेंट डिफरेंट कुछ ना कुछ होता ही रहता है। ये तो मैंने कुछ चीज़ें कैप्चर की हैं, और अदर साइड जब हम वहाँ से निकल रहे थे ना तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के लोगों का प्रोग्राम चल रहा था, पिकनिक चल रही थी, और बहुत ही अच्छा मतलब हमारा टाइम स्पेंड हो गया यहाँ पर। सो अब हम निकल गए हैं पेट पूजा के लिए। तो अभी ऑलमोस्ट 8 o'clock हो रहा था, और ना हम पार्क में थे, हमें चाट की बहुत अच्छी स्मेल आ रही थी। फिर हम वहाँ से थोड़ी बाहर निकले, और ये काफ़ी फेमस है चस्का रेस्टोरेंट, तो यहाँ का रिव्यू मैंने देखा था काफ़ी अच्छा था, फिर हमने डिसाइड किया कि हम यहाँ पे ही आएंगे। और मेरा फ़ोन कार में था तो हितेश जो है ब्लॉगिंग करते हुए आ रहे थे, और यहाँ पे मेरा और मुस्कान का रिएक्शन था मुझे घर जाना है, क्योंकि हम इतने टायर्ड हो चुके थे लाइक मॉर्निंग से इतना वॉक, और ऊपर से काफ़ी अच्छा सनी डे था, बट हम टायर्ड हो गए थे सनी डे की वजह से भी। और ऐसा होता है ना कि इवनिंग में लगता है कि बस अब घर पहुंच जाना है, बस आज के लिए इनफ हो गया, तो यही था। और हमने यहाँ से ना अपना पार्सल ले लिया था, फिर हम आ गए थे सीएन टावर, और यहाँ पे मैं अपने इंस्टाग्राम के लिए रील बना रही थी। इधर देखो, इधर ये सीएन टावर है, और यहाँ बैठ के क्या खा रहा है, पानी पूरी, पूरी। जैसे ही जीटीए में एंटर करोगे ना या ब्रैम्पटन, तो आपको इस तरह बहुत सारे स्टूडेंट कहीं ना कहीं नुक्कड़ों पे दिखेंगे जो कि रील या टिकटॉक बना रहे हैं पंजाबी गानों पे डांस करके। यहाँ तक इन लोगों ने तो न्यूयॉर्क को भी नहीं छोड़ा दोस्तों, मैं वहाँ पे भी गई थी, ऐसे ही बहुत सारे स्टूडेंट्स दिख रहे थे हर तरफ पंजाबी गाने, और यू नो गोरे पीपल भी पंजाबी गाने लगा के बैठे हों, तब वो सीन थोड़ा फनी लगता है। बस आज का वीडियो यही था, और मुझे नहीं लगा कि इसमें बहुत ज़्यादा वॉइस ओवर की ज़रूरत थी या इन्फॉर्मेशन की। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।